हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति बेरवा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी जो सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स इन सीरीज। ये जो यूनिट सेकेंड है, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स सीरीज का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स इन सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन और उनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को इनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बताऊंगी। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तब बताया था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पीरियोडिक टेबल के अदर एलिमेंट्स के मुकाबले हाई होते हैं। हाई क्यों होते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों पाई जाती है? क्योंकि एलिमेंट्स में डी और एस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन के कारण ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। इस कारण इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अदर एलिमेंट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उन एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के की तरह ही वेरी करते हैं। जो लास्ट के ट्रांजिशन एलिमेंट है जिंक, कैडमियम और मरकरी, के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मुकाबले सबसे कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि इन एलिमेंट्स में फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इस कारण ये मेटलिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं कर पाते। इस कारण इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मुकाबले कम होते हैं। जो मरकरी है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो -38.40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो सबसे कम होता है। इसी कारण जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में, इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अभी क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो मरकरी है उसका उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा हाई होती है। अब जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा उतना ही उनके इलेक्ट्रॉन्स को आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस कारण मरकरी किसी के साथ मेटलिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं कर पाती। इस कारण इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, -38.40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो मरकरी है उसकी एक विशेषता ये भी है कि इसका जो वेपर डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस कारण मरकरी की जो मरकरी और मरकरी जो होती है वो टॉक्सिक भी होती है। इसकी जो वेपर डेंसिटी हाई होती है तो इसकी वेपर जो होती है मरकरी की वो टॉक्सिक होती है। इस कारण मरकरी का जो लिक्विड है उसको टालुइन की सतह से ढककर रखा जाता है ताकि ये एनवायरमेंट में फैले नहीं। यहाँ पर सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की टेबल दी गई है जिनमें इनके मेल्टिंग पॉइंट को बताया गया है। अब आप सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की टेबल को देखिए। जब हम पीरियड में सेकेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग में तो बढ़ रहा है लेकिन उसके बाद में डिक्रीज हो रहा है। स्टार्टिंग में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मेटेलिक बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है। लेकिन बाद में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है। इस कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग में तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन बाद में डिक्रीज हो रहे हैं। उसी प्रकार से ट्रांजिशन सीरीज में भी ऐसा होता है, स्टार्टिंग में तो इंक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट और लास्ट में डिक्रीज होने लग जाता है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो टेंटेलम, टंगस्टन और रीनियम है उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3000 से भी ऊपर पाए जाते हैं। और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन एलिमेंट है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाई होता है। यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है उसके आधार पर आप लोग आसानी से समझ सकते हो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जैसे जैसे उनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं स्टार्टिंग में तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा लेकिन उसके बाद में डिक्रीज होने लग जाता है। यहाँ पर तीनों ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ट्रांजिशन सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट को बताया गया है।
फर्स्ट अनसीन सीरीज है टाइटेनियम। इसमें टाइटेनियम से क्रोमियम तक जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, लेकिन जैसे ही क्रोमियम से मैग्नीज की तरफ आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है। उसी प्रकार जो सेकेंड रैंकिंग सीरीज है उसमें भी ऐसा ही होगा, स्टार्टिंग में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा, उसके बाद में डिक्रीज होता जाता है। उसी प्रकार जो थर्ड टंगस्टन सीरीज है उसमें भी ऐसे ही होगा, स्टार्टिंग में जब हम हैफनियम से टंगस्टन की तरफ जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, उसके बाद में लगातार मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है। लेकिन वो थर्ड टंगस्टन सीरीज की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बारे में एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बताई थी तब उनकी प्रॉपर्टीज बताई थी, तब मैंने बताया था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो केटाइन का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे M+2 एंड M+3। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखा गया है मोलिब्डेनम का टेट्रा ऑक्साइड पर -2 चार्ज है, जैसे ही टंगस्टन के टेट्रा ऑक्साइड पर -2 चार्ज है। तो इससे क्या क्या पता चला, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो केटाइन का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के पिरामिड बताया था, आइडेंटिकल पिरामिड, स्टार्टिंग में इंक्रीज फिर डिक्रीज, वैसे सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स शो नहीं करते हैं। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स कब दर्शाएंगे, जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ अटैच होंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन और ऑक्सीजन, मतलब जब सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जब वो बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाइनरी फ्लोराइड्स और बाइनरी ऑक्साइड्स, तब ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी मेटल, यहाँ पे Mo4 बताया गया है, एम की जगह मेटल, एम का मतलब मेटल है। अब यहाँ पे मेटल की जगह ऑस्मियम भी हो सकता है और रुथेनियम भी हो सकता है। जब इसके टेट्रा ऑक्साइड्स का बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तब ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताएगा। उसी प्रकार जब रीनियम का फ्लोराइड के साथ बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा Re7, तो यहाँ पर रीनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होगी, +7। कारण ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इनके साथ बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं तब ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम दो तरह से देख सकते हैं, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अकॉर्डिंग सभी ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो +2 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन इनके अलावा जो क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, ओरियम और मर्करी है वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रूप में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मोस्टली जो ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इन मोस्ट केस दिस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अराइजेस ड्यू टू लॉस ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन, मतलब मोस्टली केस में क्या होता है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कब करते हैं, जब इसके s ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब देखते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सभी जो एलिमेंट्स है ग्रुप 3 से लेकर 7 तक के एलिमेंट्स वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अपने ग्रुप नंबर के इक्वल, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ग्रुप 3 का एलिमेंट्स है तो वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 3 शो करेगा, 4 का है तो 4 शो करेगा, 5वें ग्रुप का है तो उसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 5। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे क्रोमियम है ग्रुप 6 का एलिमेंट है तो क्रोमियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितनी है, +6।
6 कब शो करेगा, जब ये Cr2 7 - 2 आयन का फॉर्मेशन करेगा। आयन में जो क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है, लेकिन ग्रुप 8 से 10 तक की जो मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन रुथेनियम और जो ऑस्मियम है वो +8 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें भी रुथेनियम और ऑस्मियम सबसे ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट +8 शो करते हैं। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज होती है। अब इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट्स उतनी ही ज़्यादा होगी। अब कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है कौन सी अनस्टेबल है उसके बारे में देखते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तब मैंने बताया था आप लोगों को कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो स्टेबिलिटी है वो हम कब कैसे देखते हैं, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स के कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग। जैसे किसी एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनकम्प्लीट सॉरी वेकेंट है या हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है तो वो उस स्टेट में मोस्ट स्टेबल होता है। 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है 3D सीरीज के 3D सीरीज के केस में, मतलब सॉरी जो 4D और 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है 3D सीरीज के कंपैरिजन में। जब हम ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है उसमें आप तीनों सीरीज के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को आसानी से समझ सकते हो और इन तीनों को आप आसानी आपस में कंपेरिजन भी कर सकते हो आप। जैसे जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है एटोमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक, ये ऑक्सीजन स्टेट्स का पिरामिड दिया गया है। जैसे जैसे हम इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ रही है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट्स सबसे ज्यादा होती है और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है मैग्नीज। सेकेंड जो ट्रांजिशन सीरीज है एटॉमिक नंबर 39 से लेकर 48 तक, उसके एलिमेंट्स की भी स्टार्टिंग में ऑक्सीजन स्टेट्स बढ़ रही है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ रही है। जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें रुथेनियम की सबसे ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है +8। यहाँ पर इधर जो ऑक्सीजन स्टेट्स है 1, 2, 3, 4 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दी गई है, नीचे एटॉमिक नंबर है और ऊपर एलिमेंट्स के नाम है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है हैफनियम से लेकर मर्करी तक, इसमें भी इनकी जो ऑस्मियम है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होती है +8। इस डायग्राम के आधार पर आप आसानी से समझ सकते हो। जो सॉलिड डॉट्स है मतलब जो भरे हुए डॉट्स है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दर्शा रहे हैं, जबकि जो वेकेंट डॉट्स है मतलब जो खाली है वो इनकी जो मतलब अनस्टेबल समझ लो या पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को बता रहे हैं। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेटेलिक करेक्टर। जो ट्रांजिशन मेटल्स है उनमें मेटेलिक करेक्टर पाया जाता है ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। इनका इनकी जो आयनन ऊर्जा है वो लो होने के कारण इनमें मेटेलिक करेक्टर पाया जाता है। अब कैसे पाया जाता है, जितनी ज़्यादा कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी आयनन ऊर्जा होगी इनके जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालने के लिए उतनी ही कम एनर्जी की जरूरत होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाएंगे, इस कारण ये मेटेलिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। और इनके जो आउटर मोस्ट सेल में वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं तो अदर किसी भी लिगेंड से ये इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, इस कारण भी ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं।
सभी जो एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में होती है। मैंने पिछले स्लाइड में आप लोग को बता दिया, जो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पाया जाता है। 4D और 5D सीरीज के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली मेटल्स हैं, और वो हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, मतलब इनको जब हम दबाएंगे तो ये दब जाएंगे, फ्रेश हो जाते हैं, जब इनको मारते हैं तो ये फ्रेश हो जाएंगे। और डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब इनको कितना भी आप स्ट्रेचेबल होते हैं ये, जैसे ओरियम और प्लेटिनम। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्रोमियम, टंगस्टन और मोलिब्डेनम है, उनमें मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इस कारण ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मुकाबले। जिंक, कैडमियम और मरकरी जो लास्ट के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते, तो ये अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मुकाबले लेस हार्ड होती है, क्योंकि इनमें अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली हार्ड होते हैं और उनमें मेटेलिक करेक्टर पाया जाता है। मेटेलिक करेक्टर क्या है? यहाँ पे मेटेलिक और कोवलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट टुगेदर इन दीज एलिमेंट्स, मतलब इनमें मेटेलिक और कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय मतलब मिश्र धातु का बनाना। मिश्र धातु क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, मिश्र धातुओं का मिश्रण। दो या दो से अधिक धातुओं का जो होमोजेनस मिक्सन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अलॉय। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं 2D सॉरी सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिमिलर साइज होने के कारण इनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये है कि आसानी से मिश्र धातु का फॉर्मेशन करते हैं। जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में इनमें क्या होता है कि बीच बीच में नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, कार्बन हो सकते हैं, एक्सेट्रा। जो ये अलोई होते हैं वो मेटल की तरह ही होते हैं, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हार्ड होते हैं और मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन देन द इंडिविजुअल मेटल्स। मतलब जैसे एक अकेली मेटल में जितना ज्यादा कोरोजन हो सकता है, जब धातु का मिश्रण कर देते हैं तब उनमें कोरोजन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। मोस्ट कॉमनली जो अलोई है वो कौन कौन से हैं? जैसे कांसा, आपने नाम सुना होगा कांसा, पीतल, ये सब मिश्र धातु के ही एग्जाम्पल है। स्टील वगैरह, स्टेनलेस स्टील, द मोस्ट कॉमनली यूज आर द फेरस अलोई। द मेटल क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन एंड मैगनीज आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ अलोई स्टील एंड स्टेनलेस स्टील्स।